नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमने पुदीना ले रखा है, देखिए कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश पुदीना है। और ये हमने अमिया ले रखी है, तो आज हम बनाते हैं अमिया और पुदीने की स्पेशल चटनी, जो गर्मी में हमें आराम दिलाए। आम को हम कैरी भी कहते हैं और आम भी कहते हैं, और बहुत लोग इसे अमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये गर्मियों में ही मिलता है आम और पुदीना। ये हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। अमिया पुदीना ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। गर्मियों में हम आम की चटनी, पना, जो पना बनता है उसमें भी पुदीना और अमिया का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं और हम लोग इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, हर जगह ये हमारी चटनी अमिया की चल जाती है। हमने लिया है पुदीना, ठीक है, अमिया ली है, लहसुन, अदरक ली है, थोड़ी सी हरी धनिया ली है, और हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डालेंगे। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी अमिया की चटनी। अब हम इसको जार में डालेंगे। इसमें डाल देंगे, ये बहुत अच्छी लगती है चटनी, इसे आप किसी भी चीज के साथ खाइए। ये देखिए, और इसमें थोड़ी सी करेंगे हम हरी धनिया ऐड। अब हमारी चटनी अच्छे से पिस चुकी है, मगर अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक एक चम्मच डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हम भुना हुआ इसमें जीरा डालेंगे, बस आधा चम्मच। ठीक है, बस ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है आम की चटनी। अब हम इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड कर लेंगे। हमारी चटनी रेडी हो गई है, ये देखिए। अब आपके आम और पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है, लग रही है ना कितनी प्यारी। इसको अमिया कहते हैं और हम लोग इसे कैरी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ताकतवर और बहुत स्वादिष्ट होती है और हमारे शरीर को भी ये ठंडा रखती है, तो इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसे बनाया कि नहीं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.